हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी का लैब। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैप प्रोजेक्शंस, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन, मैप प्रोजेक्शन होता क्या है, डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्टली वील स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड ऑफ मैप प्रोजेक्शन, बट बिफोर इट हम लोग ये देखेंगे कि मैप मेकिंग के एसेंशियल्स क्या हैं, मैप को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब जो मस्ट होता है। एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग पे एक पूरा वीडियो पहले बना चुके हैं, उसकी लिंक मैं आपको नीचे बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए। एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग में 5 मेन चीज़ें आती हैं। पहला स्केल, स्केल का मतलब होता है द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। देखिए, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है, एक एरिया इतना बड़ा होता है कि उसको आप एज इट इज़ मैप पे नहीं बना सकते हो, तो हम करते क्या हैं, एक स्केल लेते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप विल रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड, मतलब मैप पर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 किलोमीटर ग्राउंड पे। सो इसी को हम लोग स्केल कहते हैं। सेकेंड इज़ मैप प्रोजेक्शन, जिसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे डिटेल में। थर्ड इज़ मैप जनरलाइजेशन। मैप बनाते टाइम हम लोग बहुत सारा सर्वे करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक सर्वे, और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब वो जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें दिखानी है मैप पे और कौन सी नहीं दिखानी है, इसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। आप हर एक इन्फॉर्मेशन मैप पे नहीं दिखा सकते हो। सो मैप जनरलाइजेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको जनरलाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना। फोर्थ इज़ मैप डिज़ाइन। मैप डिज़ाइन का मतलब होता है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको सिंबल्स, लेटर्स, कलर्स को यूज़ करके मैप बनाना, डिज़ाइन करना, मैप पर रिप्रेजेंट करना। फिफ्थ इज़ मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, जो कि फाइनल प्रोसेस होता है, जिसका मतलब कि जो हम लोगों ने मैप बनाया है उसको हम लोग फाइनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं और उसको फॉर यूज़ देते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन की डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मिलके ही मैप प्रोजेक्शन बनाते हैं, जो अभी हम लोग डेफिनेशन में पढ़ेंगे। सो लैटिट्यूड्स आर दोज लाइन्स जो कि अर्थ के सरफेस पे वेस्ट टू ईस्ट रन करती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स आर दोज लाइन जो अर्थ सरफेस पे नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों लाइन्स इमेजिनरी हैं। ये जितनी भी लाइंस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं, इनको हम लोग अपने इमेजिनेशन से बनाते हैं, कैलकुलेशन से। ये एक्चुअली ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनको हम लोग ने इसलिए बनाया ताकि हम लोगों को प्लेसेस को लोकेट करने के लिए आसानी हो जाए। सो लैटिट्यूड्स आर दोज लाइन दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड लॉन्गिट्यूड्स आर दोज लाइन फ्रॉम दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की एक और प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, चाहे वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पॉइंट तक नॉर्थ में और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक साउथ में, इन सब की जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है, चेंज होती रहती है। मतलब हर लैटिट्यूड एक लेंथ का नहीं होता है, बट लॉन्गिट्यूड्स सब ही एक ही लेंथ के होते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वाइल मेकिंग मैप प्रोजेक्शंस, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स को हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग लैटिट्यूड्स को हम लोग पैरेलल्स कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग मरेडियंस कहते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द प्रोजेक्शन पार्ट। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन एफ जे मोंकहाउस ये बताते हैं, अ मैप प्रोजेक्शन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ्स पैरेलल एंड मरेडियंस एज अ नेट और ग्रेटिक्यूल ऑन अ प्लेन सरफेस। अर्थ के पैरेलल्स और मरेडियंस का एक रिप्रेजेंटेशन है मैप प्रोजेक्शन, यानी जो अर्थ के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन्हीं का एक रिप्रेजेंटेशन कौन कौन रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन सरफेस पे, यानी कि पेपर पे या क्लॉथ पे या कोई भी प्लेन सरफेस, तो वो होता है मैप प्रोजेक्शन। ग्रेटिक्यूल का मतलब होता है ग्रिड। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिलते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो ब्लॉक्स बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग ग्रिड कहते हैं। एरविन रेस के हिसाब से प्रोजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज एनी ऑर्डरली सिस्टम ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन विच मैप कैन बी ड्रॉन। एक ऐसा पैरेलल्स और मेरिडियंस का सिस्टम जिस पर हम लोग आसानी से मैप बना सकते हैं, उसी को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। एक और डेफिनेशन है मैप प्रोजेक्शन की, जिसके हिसाब से 3D सरफेस को 2D में चेंज करने के लिए हम लोग मैप प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, कोई भी आपसे पूछे तो आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं।
अब एलिमेंट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन के टोटल चार एलिमेंट्स होते हैं, रिड्यूस्ड अर्थ। रिड्यूस्ड अर्थ का मतलब होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अर्थ एज इट इज़ हम अपने पेपर पर नहीं बना सकते, जितना बड़ा साइज अर्थ का उतना बड़ा कोई मैप बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। सो किसी भी एरिया को हम लोग रिड्यूस स्केल पे बनाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिड्यूस्ड अर्थ भी बोल सकते हैं, मतलब स्केल रिड्यूस करके। ओके, सेकंड इज पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो हमने बताया, लैटिट्यूड्स। थर्ड इज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, एंड फोर्थ इज ग्लोबल प्रॉपर्टी। ग्लोबल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ग्लोब पे जो प्रॉपर्टीज दिखती हैं हम लोगों को मैप्स पे। फॉर एग्जांपल, चार मेन ग्लोबल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम प्रोजेक्शन के थ्रू प्रिजर्व करते हैं। पहली, डिस्टेंस, शेप, साइज एंड डायरेक्शन। ये चार मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन को हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारे सबहेड में डिवाइड किया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग टेक्निक्स। ड्राइंग टेक्निक के हिसाब से प्रोजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, पर्सपेक्टिव, नॉन पर्सपेक्टिव एंड मैथमेटिकल। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वो होता है जिसको हम लोग लाइट सोर्स को यूज़ करके बना सकते हैं। नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वो होता है जिसको हम लोग लाइट सोर्स यूज़ करके नहीं बना सकते हैं। सो इनको हम लोग डायग्राम से देखेंगे। अब मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ पे ये ग्रिड सिस्टम पहले से बना हुआ है। अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पूरे अर्थ पर एक पेपर, ट्रांसलूसेंट पेपर या क्लॉथ रैप करेंगे। इसके ऊपर इस बल्ब से लाइट प्रोजेक्ट करेंगे। अब इस लाइट को प्रोजेक्ट करने पर अगर हम लोग इस पेपर पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ट्रेस कर पा रहे हैं ड्यू टू शैडो, अगर हम लोग इनकी शैडो की वजह से इस पेपर पे ट्रेस कर पा रहे हैं तो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, और नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज़ नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सो पर्सपेक्टिव, नॉन पर्सपेक्टिव एंड थर्ड वन वॉज मैथमेटिकल। मैथमेटिकल प्रोजेक्शन में हम लोग लाइट सोर्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, सिंपल हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फार्मूला, कंप्यूटेशंस को यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसी को यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्शन को बनाते हैं। इसमें एज इट इज़ कोई इनकी तरह लाइट सोर्स को यूज़ नहीं करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपेबल सरफेस। डेवलपेबल सरफेस क्या होता है पहले ये देखते हैं। डेवलपेबल सरफेस वो एक सरफेस वो सरफेस होता है जिसको हम लोगों ने जब लाइट प्रोजेक्ट किया है, वैसे हमने पहले भी फिगर में बताया कि हमने एक ग्लोब पर एक कपड़ा या कोई भी पेपर बांधा। अब अगर हमने लाइट प्रोजेक्ट किया और ट्रेस कर लिया उसको, अब उस पेपर को हम लोग बिना फाड़े, बिना क्रीज किए, बिना ब्रेक किए अगर हम लोग उसको निकाल के एक फ्लैट कर सकते हैं तो वो डेवलपेबल सरफेस होता है, ऑन विच इट कैन बी फ्लैटेंड। फ्लैट कर सकते हैं मतलब अगर जिस पे हमने प्रोजेक्ट किया, जिस पे हमने शैडो बनाया है, जिस पे हमने ट्रेस किया है उसको हम लोग अगर फ्लैट कर सकते हैं देन इट इज़ नोन एज डेवलपेबल सरफेस। लेकिन जिस पे नहीं कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज नॉन डेवलपेबल सरफेस। सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल सरफेस और ग्लोब, कोई भी स्फेरिकल बॉडी होती है उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन डेवलपेबल सरफेस होता है, और सिलेंडर, कोन एंड प्लेन के पास डेवलपेबल सरफेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो कोई पूछे आपसे डेवलपेबल सरफेस का एग्जांपल, सो इट विल बी सिलेंडर, कोन एंड प्लेन। नॉन डेवलपेबल सरफेस का एग्जांपल, इट विल बी स्फेरिकल, ग्लोब या स्फेयर। डेवलपेबल सरफेस के हिसाब से हम मैप प्रोजेक्शन को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल, कोनिकल एंड जेनिथल। पहला है सिलेंड्रिकल, इनको हम लोग मैप डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हमने क्या किया है, एक ग्लोब लिया है यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीन ग्लोब लिए हैं जो उन पे ग्रिड हमने बना दिए हैं। अब अगर हम इस एक सिलेंडर को एज अ डेवलपेबल सरफेस ले रहे हैं, मतलब अगर हम इस अर्थ को इस सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं और तब लाइट प्रोजेक्ट करके इसको ट्रेस कर रहे हैं, ओके, देन इट इज़ नोन एज सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। अगर कोन यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ नोन एज कोनिकल, और अगर एक प्लेन यूज़ कर रहे हैं मतलब पेपर टाइप का, देन इट इज़ नोन एज एजीमुथल और जेनिथल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जनरली हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन हम लोग ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज़ के मैप को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एजीमुथल और जेनिथल प्रोजेक्शन को हम लोग जनरली पोलर एरियाज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये इनके डेफिनेशन है कोनिकल प्रोजेक्शन और जेनिथल प्रोजेक्शन की। अब जेनिथल प्रोजेक्शन को हम लोग तीन पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल, ऑब्लिक और पोलर, अकॉर्डिंग टू द टच प्लेन, पोजिशन ऑफ प्लेन, कि प्लेन जो हमने यूज़ किया है वो कैसे टच कर रहा है अर्थ को,
उसके हिसाब से उन्होंने तीन टाइप में और डिवाइड किया, नॉर्मल, ऑब्लिक एंड पोलर। अगर वो पोल पे टच कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, देन इट इज नोन एज पोलर। अगर वो इक्वेटोरियल इक्वेटर पे टच कर रहा है वर्टिकली, देन इट इज नोन एज इक्वेटोरियल और नॉर्मल प्रोजेक्शन। और अगर वो स्लैंटिंग या टेढ़ा होके ऑब्लिक साइड से वो ट्रॉपिकल एरिया को टच कर रहा है, देन इट इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सो जेनिथल प्रोजेक्शंस को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पोलर, इक्वेटोरियल एंड ऑब्लिक, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टीज। चार टाइप की ग्लोबल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, एरिया, शेप, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। ये चार फोर मेजर ग्लोबल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है प्रोजेक्शन को बनाने पर कि एक प्रोजेक्शन इन चारों प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करके नहीं रख सकता। कोई एक प्रोजेक्शन एक ही प्रॉपर्टी को प्रिजर्व या एक या दो प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व कर सकता है। ये अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोजेक्शन बनाए उस पर शेप भी सही बने, साइज भी सही बने, डिस्टेंस भी सही दिखे, डायरेक्शन भी सही दिखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसके हिसाब से हम लोग ने इनको डिवाइड कर रखा है डिफरेंट टाइप्स में। तो पहला है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में ऐसे प्रोजेक्शन जिसमें एरिया को प्रिजर्व करते हैं हम लोग। जैसे न्यू इंडिया का हम लोग मैप बना रहे हैं, तो ऐसा प्रोजेक्शन यूज़ करना है हम लोगों को जिसमें इंडिया का एरिया प्रिजर्व रहे, वो करेक्ट दिखे, देन इट इज नोन एज इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। सेकेंड इज ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन और ट्रू शेप प्रोजेक्शन। इसमें हम लोग ऐसा प्रोजेक्शन यूज़ करें, ये ऐसा प्रोजेक्शन है जिसकी वजह से जो मैप हम लोग बना रहे हैं उस एरिया का शेप प्रिजर्व रहे, शेप करेक्ट रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन लिया है हम लोग ने, या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन लिया है जिससे हम लोग इक्वेटोरियल एरिया का मैप बना रहे हैं, तो अगर हम लोग उसी प्रोजेक्शन से किसी ट्रॉपिकल एरिया का मैप बनाएंगे या पोलर एरिया का मैप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन से ग्रीनलैंड का मैप बनाया, तो उसका शेप सही नहीं आएगा। सो ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन क्या करता है, उस एरिया का जिस एरिया का वो मैप बना रहा है वो उसका शेप प्रिजर्व करके रखता है। सिमिलरली एजीमुथल और ट्रू बियरिंग, ये डायरेक्शन प्रिजर्व करता है, और इक्विडिस्टेंस और ट्रू स्केल प्रोजेक्शन दैट प्रिजर्व डिस्टेंस, डिस्टेंस या स्केल को प्रिजर्व करता है। स्केल को डिस्टॉर्ट या स्केल को तोड़ता मरोड़ता नहीं है, एज इट इज जो स्केल हमने ली है वैसी स्केल वो मैप पर भी शो होती है। ये नहीं कि उससे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, या उससे कम दिख रही है, जो स्केल हमने ली है वही दिखती है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के हिसाब से प्रोजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, नमोनिक, स्टीरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक। अब इसको हम भी डायग्राम से पढ़ेंगे। तीन ग्लोब लिए हम लोगों ने, 1, 2 एंड 3। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नमोनिक प्रोजेक्शन क्या होता है। जब सोर्स ऑफ लाइट जब है, जो सोर्स ऑफ लाइट है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रिड्स पे, उसको अगर हम लोग सेंटर ऑफ द ग्लोब रखा है यहाँ पर, देन इट इज नोन एज नमोनिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन सरफेस कहाँ पर है, ये देखिए, ये एक डेवलपेबल सरफेस है जिस पर हम लोग लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पर हम लोग ट्रेस करेंगे। सो अगर हमने सोर्स ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द ग्लोब में रखा है, देन इट इज नोन एज नमोनिक प्रोजेक्शन। सेकेंड, अगर हमने सोर्स ऑफ लाइट एकदम ऑपोजिट साइड रखा है, ये प्रोजेक्शन सरफेस है और इसके एकदम ऑपोजिट साइड यहाँ पर हम लोगों ने सोर्स ऑफ लाइट रखा है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट डायमीटर पे सर्कमफेरेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि सोर्स ऑफ लाइट हमने इस तरफ रख दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको सोर्स ऑफ लाइट उस ग्लोब के सर्कमफेरेंस पे रखना चाहिए, लेकिन उस सरफेस के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो होता है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। थर्ड इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो हम लोग मानते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही है, हम लोगों ने कहीं पर भी रख दी, दूर पास, उस ग्लोब के कहीं, ग्लोब के अंदर रखी है ना ग्लोब की बाउंड्री पर रखी है, कहीं पर भी आगे पीछे रख दिए। सो इस सोर्स ऑफ लाइट के हिसाब से प्रोजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, नमोनिक, स्टीरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक एंड ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन आर डिफरेंट, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। सो ये थी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये जो आप टेबल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जिसमें कार्टोग्राफी आती है, या ऐसे एग्जाम जिसे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये टेबल। मैंने एटलस को यूज़ करके और डिफरेंट बुक्स को यूज़ करके एक जगह कंपाइल करके बनाया है कि कौन से प्रोजेक्शन हम लोग जनरली कौन से मैप के लिए यूज़ करते हैं। आप जब भी अपनी एटलस उठाओगे तो उसमें आप कोई मैप देखोगे
तो उसमें उस मैप के ऊपर उसकी स्केल और नीचे उसके प्रोजेक्शन का नाम लिखा होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हो उसको। मैंने इसको कंपाइल करके आपके लिए लाया हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन या इसका स्क्रीनशॉट ले सको। बेसिकली इसमें हम लोग ये देखते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रॉबिन्सन प्रोजेक्शन इज बेस्ट सूटेड फॉर, क्वेश्चन पूछ लिया कि रॉबिन्सन प्रोजेक्शन सबसे बेस्ट सूटेड किसके लिए, सबसे अच्छे मैप कौन से बन सकते हैं रॉबिन्सन प्रोजेक्शन पे। सो वर्ल्ड मैप, ओके, रॉबिन्सन प्रोजेक्शन के लिए हम लोग वर्ल्ड मैप बना सकते हैं रॉबिन्सन प्रोजेक्शन को यूज करके, ठीक। या ऐसे पूछ सकते हैं नेविगेशन पर्पज के लिए कौन सा प्रोजेक्शन यूज करते हैं, सो मर्केटर्स प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का नाम और उसके एप्लीकेशन, इसको आप याद कर लो, नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ एमसीक्यू एग्जाम्स और शॉर्ट आंसर्स। आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं बीए एमए के, उसमें शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है यूटीएम क्या होता है या सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन क्या होता है, लैम्बर्ट प्रोजेक्शन क्या होता है, सो आप इसको देख लीजिए। सो बेसिकली इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स, उनके एप्लीकेशन क्या होता है, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में प्रोजेक्शंस बनाना सीखेंगे, कॉनिकल, सिलिंड्रिकल और जेनिथल, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस हैं। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।